दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एयरटेल सिम अपग्रेड प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे नया साल आ गया और नए नए कुछ प्रोसेस और चेंजेस आ गए हैं, तो आज के इस वीडियो में काफ़ी कुछ डिटेल में जानेंगे। और हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में एयरटेल सिम 4G अपग्रेड करने के दौरान कुछ आपके डाउट्स होते हैं, तो उन डाउट को भी मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा क्योंकि मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया था, तो वहाँ पर आप लोगों का बहुत सारा कॉमेंट था, तो वहाँ से मैं कुछ कॉमेंट को पिक करके इसी वीडियो में रिप्लाई दूंगा। तो आप वीडियो को तक जरूर से देखिएगा। सो हाय फ्रेंड्स, हिमांशु हियर एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल हिमांशु। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अगर सिम को अपने 4G में अपग्रेड करना है तो यहाँ पे सबसे जो मेन चीज़ है वो है कि आपको एक नया सिम खरीद के लाना पड़ेगा मार्केट से, जो कि आपको मिल जाएगा एयरटेल के किसी मिनी स्टोर पे या फिर आप किसी भी रिटेलर शॉप पे जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा एयरटेल का 4G सिम, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इस तरह का आपको एक सिम ले आना है जो कि मार्केट में आपको मिल जाएगा एयरटेल के मिनी स्टोर पे या रिटेलर शॉप पे मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपने जो पुराना नंबर है एयरटेल का उससे उसके मैसेज में जाना है और मैसेज में टाइप करना है SIM सिम, उसके बाद स्पेस, फिर जो नए सिम का जो सिम आप नए मार्केट से लेके आए हैं उस सिम का आपको पूरा सिम नंबर टाइप करना है, लास्ट में यू होता है वहाँ तक पूरा टाइप करना है। उसके बाद आपको इसे भेज देना है 1-to-1 पे। उसके बाद जब आप ये प्रोसेस कर लेंगे तो आपको यहाँ पे साइड में एक मैसेज दिख रहा होगा, तो ऐसा एक मैसेज आएगा, तो यहाँ पे जो मैसेज में लिखा है कि क्या आप सही में 4G करना चाहते हैं, मतलब कंपनी आपसे एक बार कन्फर्मेशन चाहता है। तो ये कन्फर्मेशन आपको 60 सेकंड के अंदर देना होता है, अगर आप 60 सेकंड से थोड़ा भी लेट करेंगे तो ये लेट हो जाएगा और फिर आपका ये प्रोसेस कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि 60 सेकंड के अंदर आपको 1 लिख के रिप्लाई कर देना है अपने मैसेज से। उसके बाद फिर आपको एक और SMS आएगा, तो उसमें थैंक यू करके आएगा कि मतलब आपका सिम 4G में अपग्रेड होने वाला है। तो इसके लिए क्या है कि कंपनी के द्वारा एक फ़ोन आता है आपके उसी नंबर पे जो सिम आपका 4G मतलब करने जा रहे हैं, तो उस नंबर पे जब 4G फ़ोन आएगा कंपनी का, उसके बाद वहाँ वो आपसे एक राय लेंगे कि क्या मतलब कॉल से भी वेरिफिकेशन होती है कि हाँ सही में आप 4G में अपग्रेड करना चाहते हैं। तो आपको वहाँ पे 1-2 जो भी आप बोलेंगे वो मतलब कंपनी आपसे कॉल करेगी और कॉल आप जैसे पिक करेंगे तो उसमें बोला जाएगा। तो कई बार यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी कॉल भी नहीं करती है, मतलब कंपनी का कॉल जो आता है वो काफ़ी लेट आता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको क्या करना है, 56565 एक नंबर है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इस पर आपको कॉल करना है। और ये जो कंपनी का कॉल आता है तो मतलब यही काम ये नंबर भी कर देता है, मतलब इस नंबर पे आप जैसे ही कॉल करेंगे तो वही काम ये नंबर कर देता है। फिर आप वहाँ पे 1-2 रिप्लाई दे देंगे उनको, तो आपका सिम 4G में अपग्रेड हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो सबसे मेन पॉइंट आता है ये सब करने के बाद, तो वो है कि आपको इससे अपने सिम में रिचार्ज करवाना पड़ता है। वो रिचार्ज ज़्यादा पैसे का नहीं, मतलब बस 1 रुपये का रिचार्ज करवाना पड़ता है, और वो रिचार्ज आप फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे इससे नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या है कि आप अपना नंबर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम आपका रिचार्ज कर देंगे। और ऐसे में दोस्तों अगर आपको मुझे भी सपोर्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक प्रोवाइडेड हैं जहाँ से आप कुछ एप्लीकेशन है जो डाउनलोड करके आप मुझे भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये आपका जो है फाइनल स्टेप जो आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम बात करते हैं कि डाउट जो भी एयरटेल सिम अपग्रेड प्रोसेस करते समय जो डाउट होते हैं लोगों का वो सब क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि यहाँ पे 1 रुपये से रिचार्ज क्यों करना पड़ता है। तो भैया यहाँ पे एयरटेल कंपनी में ऐसा है कि अगर आप सिम अपने 2G 3G सिम को 4G में अपग्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे कंपनी आपको कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करती है, जैसे कि डेटा हो गया, SMS, कॉलिंग टैरिफ मिल जाता है, किसी किसी को बैलेंस मिल जाता है। तो ऐसे कंपनी सबको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करता रहता है रैंडमली, ये किसी को कुछ भी मिल जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ता है, जब आप अपना 4G सिम 4G करवा देते हैं उसके बाद आपको 1 रुपये से रिचार्ज करवाना पड़ता है, जो रिचार्ज आपको रिटेलर के द्वारा ही करवाना पड़ता है। तो अगर आप नहीं करवा पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नंबर अपना प्रोवाइड कर दीजिए, मैं आपका रिचार्ज ये कर दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है वो है ये कि कितनी देर में भाई 4G होता है। तो यहाँ पे ये भी बहुत लोगों का डाउट है कि भाई 4G कितने देर में होता है, यार आपने बता दिया ऐसे ऐसे 4G होता है,
अब बताओ कि कितने देर में होता है। तो 4G जो है वो 4 घंटे के अंदर होता है, किसी का भी 4 घंटे से ज़्यादा 4G में टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ बात करते हैं कि एक एक डाउट ये है कि क्या ये जो सिम हम 4G में अपग्रेड कर रहे हैं तो इसे हम 3G फ़ोन में लगा सकते हैं? तो हाँ भाई, 3G फ़ोन में भी ये काम करेगा, लेकिन अगर आपको ये बेनिफिट्स जो लेने हैं, मतलब जो रैंडमली बेनिफिट दिए जाते हैं कंपनी के द्वारा, उसे आप 4G हैंडसेट में लगाएंगे तभी आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अब जो अगला क्वेश्चन है वो है कि यहाँ पे आप अगर 2G 3G से अपना सिम 4G में अपग्रेड कर रहे हैं तो यहाँ तो आपका सिम जो पुराना वाला है वो नए सिम में बदल गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सिम में नंबर सेव हैं वो भी डिलीट हो जाते हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में दोनों सिम एक ही साथ लगाइए और फिर अपना जो पुराने सिम का नंबर है उस नंबर को इसमें कॉपी कर लीजिए या मूव कर लीजिए, उसके बाद आपका ये काम हो जाएगा। तो ऐसे में आपको अगर मूव करने वाला प्रोसेस नहीं आ रहा है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं इस पर भी वीडियो लेके आऊँगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये सबसे मेजर क्वेश्चन, मतलब बहुत लोगों के द्वारा पूछा गया ऐसा क्वेश्चन है ये कि भाई अपग्रेड करवाने के बाद यहाँ पे क्या जो मेरा पहले का जो रिचार्ज प्लान उसमें पड़ा हुआ है तो वो क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा कि मतलब वो ट्रांसफ़र हो जाएगा? तो यहाँ पे ये है कि अगर आप अब सिम अपग्रेड करवा रहे हैं, मतलब एक सिम अपना एयरटेल का ही सिम है दूसरे एयरटेल सिम में कन्वर्ट कर रहे हैं, बस नंबर तो वही है ना, तो यहाँ पे आपका जो रिचार्ज प्लान है वो सारा रिचार्ज प्लान ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन बस वही नंबर वाला जो काम मैं बता रहा था आपको वो नंबर आपको खुद से ट्रांसफ़र करना पड़ता है। बाकी जितना रिचार्ज, कोई भी टैरिफ प्लान, कुछ भी आपका जितना सिम में पड़ा हुआ है सारा कुछ ट्रांसफ़र हो जाएगा कंपनी के द्वारा। तो दोस्तों इसी के साथ उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक किए बिना आप जाइएगा मत, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी सभी जानकारी के बारे में पता चले और उनका भी डाउट क्लियर हो पाए। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, और दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।